हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी चने दाल की मोतीचूर की लड्डू। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। चने दाल की मोतीचूर की लड्डू बनाऊंगी, इसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक कप चने दाल को 2 आवर्स पहले मैं भिगो के रखा था और 1 कप शुगर सेम क्वांटिटी में यूज़ करूँगी। 4 इलायची फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स पिस्ता और काजू 2 चम्मच करके यूज़ करूँगी और ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, चाहिए तो दीजिए नहीं तो स्किप कीजिए। ग्राइंडर का जार ले लिया और भीगे हुए चने दाल को पहले दरदरा पीस के रेडी कर लेती हूँ। चने दाल को ऐसे दरदरा पीस के रेडी किया, बाउल में निकल लेती हूँ। बाउल में निकल लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गर्म होने के लिए रख दिया। अभी जो दाल पीस के रखा था वो छोटा छोटा ऐसे फ्लैट करके फ्राई कर लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो अंदर तक फ्राई नहीं होगा, इसके लिए मीडियम फ्लेम पे। पहले फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। ऐसे फ्लिप कर लेती हूँ, दूसरे साइड भी फ्राई कर लेती हूँ। जो लोग बेसन का बूंदी बना के मोतीचूर का लड्डू बहुत ही टफ लगता है, तो ऐसे इजी प्रोसेस में मोतीचूर का लड्डू बहुत ही इजी से बना सकते हैं। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया, प्लेट में निकल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे चने दाल को ऐसे बड़ा का जैसे बना के फ्राई कर लेती हूँ। सारे चने दाल को पकौड़ा को फ्राई करके रेडी कर लिया, अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। शुगर और पानी ऐड करके शुगर सिरप बनाने के लिए रख दिया। चना दाल का जो पकौड़ा बना के रखा था ग्राइंडर का जार में ऐड कर देती हूँ और दरदरा पीस के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे दरदरा पीस के रेडी कर लिया, ऐसे दरदरा पीस के रेडी कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक तरह का चटनी बन के रेडी हो गया। अभी जो फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर करके रखा वो ऐड कर दिया और मोतीचूर का लड्डू तरह ऑरेंज कलर का होता है तो फूड कलर थोड़ा सा 1 इंच ऐड कर रहा हूँ। आप लोग चाहिए तो दीजिए नहीं तो स्किप कीजिए, बट देखने में भी बहुत अच्छा होता है। ऑरेंज कलर मिक्स करके और 2 मिनट ऐसे मिला लेती हूँ। अभी जो चने दाल मड़ा को ऐसे दरदरा पीस के रखा वो ऐड कर देती हूँ। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि तड़का ज़्यादा कुक करे तो कड़क हो जाएगा। मोतीचूर का लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अभी हल्का ठंडा करके मोतीचूर का लड्डू बनाऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और जो ड्राई फ्रूट्स लिया वो ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। जो लोग ऑयल में फ्राई करेंगे इस टाइम 1 चम्मच घी ऐड कर देती है क्योंकि मोतीचूर असली घी का ही बनता है, लेकिन अभी हेल्थ कॉन्शियस करके 1-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गया, इसके लिए घी ज़्यादा खाना नहीं चाहते। इसके लिए मैं लास्ट को ही घी ऐड कर दिया और घी का बहुत ही अच्छा मोतीचूर में फ्लेवर आएगा। अभी ठंडा होने के बाद लड्डू बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके, हल्का गर्म है, ऐसे लड्डू बना लूँगी। ऐसे सारे
लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। बेसन का मोतीचूर तो बनता है, लेकिन आज चने दाल से बनाया, बहुत ही इजी से बूंदिया बनाने का कुछ झंझट नहीं है। ऐसे 10 मिनट में घर पे बहुत इजी से मोतीचूर का लड्डू बना के खा सकते हैं। ऐसे इजी प्रोसेस से बनाइए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।